मानव समाचार मानवता के हक में। आइए जानते हैं क्या मामला है। अरे मैं मेरी घरवाली को सुबह से ले गुमरा पहले अली अकबर में ले गया। अली अकबर वाले बोलते चेक भी नहीं करे अंदर में ले गए, बस बोले मशीन यहाँ बैठो वहाँ बैठाए और फिर बोलते कि इनकी बीपी बहुत बढ़ गए सुइल में ले जाओ, सुइल की चिट्ठी दिए। तो हम लोग एक डेढ़ घंटे बाद सुइल गए, बीपी गोली वोली हमने हमारे पैसे दिलाए सब हमने खिलाए, उनने कुछ भी नहीं दी। और फिर वो सुइल में ले गया। अब जब सुइल में ले गए तो मैडम चेक वो नहीं करती। अभी हाल की रिपोर्ट है, कहाँ है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट कहाँ रख? हाँ वो मैडम के पास है। तो वो रिपोर्ट हाल की अभी एक दो दिन पहले की है, तो बोलती है नहीं चलेंगी, अभी तुमने लाया तो सोनोग्राफी और करके लाओ। अब उनको बोले कि तुम चिट्ठी दे दो, तो मैडम बोलती क्या चिट्ठी उट्टी नहीं मिलती, बोले तुम जाओ गली और तुम्हारे हिसाब से तुमको जा समझ में आ रहा आ जाके सोनोग्राफी करके ले जाओ। तो हमने गए आलो आलो आए सोनोग्राफी करके लाए। अब वापस उनके पास जब ले गए तो ना रिपोर्ट चेक करती है ना कुछ बोलती है, डायरेक्ट बोलती कि तुमको धुलिया ले आना है, इनकी बीपी कम नहीं। तो वहाँ तुमने कब लेके गए? हम दो ढाई बजे करीबन ले गए थे हम। तो उनने हमको पाँच बजे तक थकाए गली, बस इधर से ले गए आ रहे उधर, बस इधर बस बैठो। वो तो पहले आधा घंटा मेरे को आगे पीछे घुमाई उन्हें, क्या तुम मेरे साथ चलो इधर चलो, बस साइन लेने के वास्ते। मैडम का नाम क्या है जो तुमको ऐसा बोले धुलिया लेके जाओ? भामरे मैडम ऐसी कोई है, भामरे करके है। और उनको बात करने का तजुर्बा नहीं, ढंग नहीं है कोई बात का, बस वो बोलती मैं तुम्हारे वास्ते नहीं बैठी है, मेरे पास एक पेशेंट नहीं आते। जैसे एक पेशेंट नहीं आते तुम एक पेशेंट को तो देख लो, आते दस पेशेंट मान रहे हम बहुत पेशेंट आते हैं, मगर देखो तुम एक पेशेंट को अस्थि तो देख लो। वो डायरेक्ट बोलती कि नहीं हम तुम्हारे वास्ते नहीं बैठे, अब बहुत पेशेंट है मेरे पास। और बात भी रहा बहुत अलग तरीके से करती। तो वहाँ तुमने बीपी चेक, वहाँ पे हाई लेवल की बीपी थी, और जब आना है तो यहाँ पे क्या बताया? नॉर्मल है, अभी एडमिट है घर वाली मेरी, नॉर्मल है। फरहान में आए लाए हमने तो नॉर्मल बताया, वो धुलिया बोले थे हमने उनसे चिट्ठी बना के ले लिए, मगर अब वो धुलिया हमारा दिल नहीं करा, अब धुलिया ले आना वहाँ के, फिर सुइल वाले ने बोलना कि ये लेके आओ वो लेके आओ, तो उससे बेहतर फिर हम लोग फरहान में लेके आए। तो वो बोले क्या नहीं कोई बात नहीं है सब नॉर्मल है हम कर देंगे। तो ऐसा तुम्हारे साथ हुआ क्या लोगों के साथ? अब वो भामरे मैडम हर पेशेंट के लिए ऐसे ही करती कि धुलिया बेचती, कोई भी पेशेंट को बीपी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, खून कम है, और वहाँ का रिपोर्ट खून का 60% आता है और बाहर का जो करे तो 11% आता है। तो खून का ये करके डायरेक्ट बाहर भेज देती, हर झटक लेती कि बोले मेरे को नहीं। दूसरे मैडम बराबर करते, दूसरे मैडम भी वहाँ पर, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो दूसरे मैडम हैं बराबर करते, लेकिन यही पेशेंट को वहाँ से हकाल के देती। मैं सीजर के मारे में या कोई भी मामले में वो बात ही करने का उसको ये नहीं है, भामरे मैडम की एकदम जाती है, इसलिए भामरे मैडम को वहाँ से सिविल से निकालना चाहिए हमारी कुछ बोलो। भामरे मैडम के बारे में कभी कोई किसी ने कुछ बोला तो डायरेक्ट बोलती कि मैं दादा भूसे के रिश्तेदार है, तो वो दादा भूसे को मतलब नाम भी बदनाम कर रही है और उसकी धमकी देती रहती किसको भी, तो वही उसकी बदली करने होना वहाँ से किसको, मतलब वहाँ से उससे किसको फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले तुमने पेशेंट कहाँ लेके गए? सब में पहले हमने अली अकबर में लेके गए थे, अली अकबर में भी हमारे को यही बोले कि यार उनकी जो बीपी बढ़ गई है, फिर उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिख के दी, फिर उसके बाद हमने सुइल दवा खाने में ले गए, सुइल दवा खाने में से फिर उन्होंने बोले कि धुलिया लेके जाओ, तो धुलिया घर के लोग रो रहे थे उनके, मतलब डर गए थे कि यार धुलिया कुछ बड़ा मसला तो नहीं हो गया। तो फिर उन्होंने अपने फरहान दवा खाने में लेके आए, फरहान दवा खाने में मैडम ने सब चेक करी तो मैडम ने बोली कि सब नॉर्मल है, कोई बात का टेंशन नहीं है। तो ये सरकारी दवा खाने सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए बने है क्या? हाँ हम लोग ले लेके सुबह से परेशान है वहाँ पे, तो ये सिविल दवा खाना काहे के वास्ते है, गरीबों के वास्ते है ना। अभी प्राइवेट में तो हम कर लेंगे कुछ भी, इधर उधर से कर्जा उर्जा करके तो कर लेंगे, फिर सिविल काहे के वास्ते बने लाए। तो वो मैडम को बायकॉट करो वहाँ से। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो राजधानी।